आज बड़ा खुशी का मौका है कि हमारे में से हमारी बेटी दुनिया वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आई है। इस बात की इस इलाके को तो गर्व है ही, गांव को तो गर्व है ही, हरियाणा को तो गर्व है ही, पूरे देश को गर्व है। इस बात की मैं आपको सबको हार्दिक बधाई देता हूं, खास तौर पे इसके माता पिता को, परिवार को, जिन्होंने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया। मेरे को याद है जब स्वीटी छोटी सी थी, पढ़ती थी, तो नेशनल में मेडल लेकर आई थी हांसी में। 2012 में समारोह किया था, वहां मैंने इसको सम्मानित किया था। उस टाइम मैंने सोचा था कि ये बेटी हमारी बहुत आगे जाएगी। आज मैं इस बात से खुश हूं कि आज दुनिया में इसने नाम कमाया है। इसी प्रकार से हमारे सारे बच्चे और यही देख के हमने खेल नीति बनाई थी। और ये यहाँ की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी देश का पैमाना विकास का है तो किस बात से पैमाना पता लगेगा भाई ये देश विकसित है, ये देश विकास कर रहा है या ये प्रदेश विकास कर रहा है? वहां उनके खिलाड़ियों से, अगर अच्छे खिलाड़ी देश प्रदेश पैदा करता है तो ये समझो उनका समाज विकसित है, उनके समाज की आगे की सोच है, उनका समाज नशे में नहीं डूब रहा आने वाली पीढ़ी। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने देखा मेरे पड़ोसी प्रदेश में पंजाब में नशा बहुत तेजी से फैल रहा था और हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल रहा था। तो उनका सही डायरेक्शन में उनकी शक्ति लगे सही जाए तो एक रास्ता यही है। और कोई भी समाज स्वस्थ होना है, आगे बढ़ना है, दो ही चीज है भाई, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा अच्छी होगी तो समाज आगे जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा, अच्छे खेल खिलाड़ी होंगे तभी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से मैंने बड़े बड़े गांवों में स्टेडियम बनाए, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन स्टेडियम की रख रखाव भी नहीं हो रहा। जितने कोच हमने लगाए थे उतने भी कोच नहीं। और मैं अभी पढ़ रहा था कल जो भिवानी में बॉक्सिंग का साई सेंटर है उसको भी ले जाया जा रहा है। अरे भिवानी तो हिंदुस्तान का क्यूबा है, क्यूबा जैसे क्यूबा में बॉक्सर पैदा हुए थे, भिवानी में इस इलाके में बहुत अच्छे बॉक्सर पैदा हुए, तो वहां से ले जाया जा रहा है। जो खेल नीति थी आज कोई क्लास वन क्लास टू अफसर भर्ती नहीं किया जाएगा, क्लास सी और डी में भी, वो भी ऐसी ढुलमुल नीति बनाई गई। आज अभी जब चर्चा हो रही थी कि भी हमारे समय में आज पूरा गांव और इलाका समारोह कर रहा है इनके सम्मान में, स्वीटी के सम्मान में, अगर वही हमारी खेल नीति होती, सरकार होती, तो स्वीटी पूरा हमारी बेटी गिराए में आती, उससे पहले तो डीएसपी के फीत लगा के आती इतने मार्के। और भगवान ने चाहा कभी मौका दिया तो ऐसा मौका भी आ जाएगा, आ जाएगी कभी वो स्वीटी। तो आज बड़ी खुशी की बात है मेरी। मैं ज्यादा, क्योंकि ये एक सम्मान समारोह है, ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में टीस है 2014 में जो प्रदेश हमने प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में रोजगार में नंबर एक छोड़ा था पूरे देश में, आज मेरा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर एक है। मेरे बच्चे बाहर जबरदस्ती पासपोर्ट लेके अपना किला बेच के बाहर जाना चाहते हैं, यहां उनको मौका नहीं मिल रहा। आज अपराध में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है हरियाणा। आज महंगाई कितनी तेजी से है, तो ये तकलीफ है मेरे को। आज समय आया है, मैं तो यही कहता हूं, ये शुरू में नारा दे दिया उन्होंने अच्छे दिन आएंगे, आज जिससे बात करता हूं मैं एक ही बात कहते हैं,
भाई वो हमारे पुराने दिन ले आओ, वो हमारी पुरानी नीति लागू कर दो, किसानों को वही भाव दिलाओ। आज लागत तो बढ़ गई किसानों की, आमदनी नहीं बढ़ी। चाहे सरसों हो, उसके लिए खाना धक्के खाने पड़ते हैं, कहीं पीपी परिवार पहचान पत्र बन रहा है, कहीं प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, कोई मायने नहीं। पहले भी तो किसान का जो है उपज बिकती थी। खैर चलो, ये एक बात की बातें हैं। आप सब समझदार हो, मैं तो इस बात के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। एक बात समझो, मैं इस बात से खुश हूँ आपसे, जो भी समाज, जो इलाका अपने बुजुर्गों का, स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान नहीं करता, वो आगे प्रगति नहीं करता। जो अपने खिलाड़ियों का या जो अपने समाज में से बढ़कर हमारे इलाके में स्थान प्राप्त करता है, दुनिया में नाम कमाता है, उसका सम्मान नहीं करता, वो भी आगे नहीं कर सकता। आपने सम्मान किया है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे खिलाड़ी आए हैं, उन सबका भी और मेरा जो है, मेरी शुभकामनाएं हैं सभी खिलाड़ियों की और इलाके को और पूरे प्रदेश को, किसान को, मजदूरों को, कि मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी राजनीतिक बात तो भाई मैं कभी जलसा करके पूरी खोल के जाऊंगा, आज तो इतनी कहूंगा।